इस बीच जो तस्वीरें मिल रही हैं वो आपको दिखा देंगे, जम्मू की तस्वीरें हैं। और देखिए ये जो जीत है इसे ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 41 साल के बाद भारतीय हॉकी में ओलंपिक्स में एक मेडल आया है और इससे वो तमाम खिलाड़ी जो हॉकी खेल रहे हैं और आगे अपना भविष्य इस स्पोर्ट में देख रहे हैं बना रहे हैं उनके लिए ये जीत कितनी अहम हो जाती है। ये देखिए हॉकी खेलती ये लड़कियां अपने हाथों में हॉकी स्टिक्स लिए हुए किस तरह से नाच रही हैं, इस जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। बिल्कुल, जश्न की अलग अलग तस्वीरें हम तक पहुँच रही हैं। जम्मू की ये तस्वीरें बताती हैं कि हर किसी को इस मोमेंट का इंतजार था जो 41 साल बाद आज आया है। लंबा इंतजार था और लेकिन जिस तरीके से आज मैच चल रहा था मलिका, आखिरी मोमेंट तक सांसें अटका देने वाला ये मैच था। हर कोई टीवी की ओर देख रहा था कि बस किसी तरह कि जो आखिरी मोमेंट तक मैच है वो हमारे ही कब्जे में रहे और जो बढ़त हमने बनाई हुई थी उसी के साथ हमने जर्मनी के खिलाफ जीत आखिरकार हासिल कर ही। बिल्कुल, और देश में इस खेल के भविष्य के लिए ये जीत बहुत अहम हो जाती है। बहुत से खिलाड़ी जो कि हॉकी खेलते हैं, हॉकी के लिए पैशनेट है, उनको एक उम्मीद जगी होगी कि अगर वो इसी तरह इंडिया जीत के आया है तो बहुत खुशी इस चीज की और मैं बहुत आज इनको जो कर रही है कर सकती है, जो करना है कर सकती है। जिस तरह से ये नाच कर सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको देखकर आप समझ पा रहे होंगे पूरी देश में इस वक्त खुशी का माहौल है। हर कोई इस जीत से बेहद खुश है। 40 साल बाद ये मेडल हमने जीता है, ब्रॉन्ज मेडल आज पुरुष हॉकी में हमें मिला है जो कि एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। तो कानून मंत्री किरण रिजिजू, इससे पहले पूर्व में खेल मंत्री भी थे, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सर, एक ऐतिहासिक मोमेंट आज के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आप सब सभी, ये बहुत ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। हॉकी में फिर से मेडल आए हैं। सर, क्या आपने आज मैच देखा, किस तरह से आपने इस मैच के जो शानदार मोमेंट्स थे उनको एंजॉय किया? बिल्कुल, हम लोग तो पार्लियामेंट सेशन चल रहे हैं फिर भी सुबह सुबह उठ करके ओलंपिक मैच देखना ये तो बहुत जरूरी है और हमने पूरा मैच देखा और एक एक पल एंजॉय किया। पर धड़कने तेज हो गई थी क्योंकि काफी टेंशन था, स्पेशली शुरू में भारत जब पिछा रहा था तो खराब लग रहा था, लेकिन फिर भी जैसे कमबैक किया और आखिरी पल तक लास्ट 2 सेकंड बचे थे उस समय तक सबका दिल धड़क रहे थे तो आखिरी जीत जीत होता है और मेडल लाए और ये पल जो है बहुत सालों तक सबके जहन में रहेंगे। बिल्कुल सर, प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है जब आपको ये पता होता है कि आपके पास मौका है मेडल पाने का और आप अगर ये मेडल पाते हैं तो ये 41 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ता है, तो अपने आप में टीम इतने प्रेशर में भी इतना अच्छा परफॉर्म करे तो क्या कहेंगे? ये इनके जो हमारा प्लेयर्स का मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस का नतीजा है कि आखिरी दम तक उन्होंने प्रेशर को झेला और जीत हासिल किया, ये बहुत बड़ी जीत है। और आज के जमाने में जर्मनी जैसे टीम बहुत साइंटिफिकली इतने टफ टीम है, उनको इतने मतलब लास्ट मोमेंट तक फाइट करके हराना ये दर्शाता है कि हमारा भारत कितना मजबूत है आज के दिन में। जी किरण रिजिजू जी, आपको ही बहुत बहुत बधाई। खेल मंत्री के तौर पर आपने भी हॉकी इंडिया को बहुत सपोर्ट किया था और मेरा सवाल यह है कि आज जब आप मैच देख रहे थे तो मन में क्या भाव थे कि आपकी जो मेहनत थी पिछले कार्यकाल की वो सफल हुई? देखो, मेहनत बहुत बड़ा एक चीज होता है, ये एक दिन का मेहनत नहीं होता है, जिंदगी भर का होता है और सबका योगदान होता है, सरकार का, टेक्निकल टीम का, कोचेस का, प्लेयर का अपना मेहनत, तो ये कलेक्टिव जो इतने सालों का मेहनत जब रंग लाते हैं तो वो बहुत अलग स्तर का मजा होता है।
तो मैं तो बहुत करीब से जुड़े हुए थे सारे प्लेयर से, और इसका नतीजा आज मिला है बहुत, मैं अब मेरे शब्दों में मैं नहीं कह सकता हूँ कितना खुश हूँ। अब हमारे प्लेयर्स भारत आएंगे तो उसका गर्मजोशी से स्वागत होगा। बस ABP News आपको रखे आगे।